पटना पुलिस की करतूत और दबंगई बीच सड़क पर देखने को मिली है। ठोकर मारने वाले कार चालक को पकड़ने के बजाय घायल छात्रा को बचाने वाले युवक को ही मारते पीटते जबरन उठाकर पुलिस ले जाती दिखी। मामला गांधी मैदान थाना क्षेत्र के राम गुलाम चौक का है, जहां एक युवक को पुलिसकर्मी जबरन पुलिस जीप में बिठाकर ले जा रही है और युवक बार बार कह रहा है कि मैं क्यों बैठूं। बावजूद इसके जबरन पिटाई करते हुए गाड़ी में बिठाकर पुलिस उसे ले जाती है। लोग इसका विरोध करते रहे लेकिन पुलिसकर्मियों ने एक ना सुनी। दरअसल राम गुलाम चौक के पास एक तेज रफ्तार कार ने विद्यापीठ की छात्रा को ठोकर मार दिया, जिस वजह से छात्रा कार में फंस गई, जिसे देख आसपास के लोग जमा हो गए और छात्रा को कार से निकालने की कोशिश करने लगे। यह देख एक ऑटो चालक भी रुका और ऑटो में बैठे यात्री ने उसे निकालने का प्रयास किया, जिसके बाद छात्रा को कार से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कार चालक उसी वक्त चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने बचाने वाले को ही पकड़ कर अंदर ठेल दिया। देखिए इस वीडियो में किस तरीके से पुलिस जबरन छात्रा को बचाने वाले व्यक्ति को ही जीप में बिठाकर लेकर जा रही है। अब ये सवाल उठा रहा है कि आखिर पुलिस ठोकर मारने वाले को पकड़ने के बजाय बचाने वाले को क्यों साथ उठाकर ले जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।